नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने ले लिया है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस संगठन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवर हो रही है? तो ये कहा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवर हो रही है, जबकि मुद्रास्फीति के दबाव के प्रति आगाह किया है कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5 रहने का अनुमान लगाया है। तो करंट अफेयर से ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किसने हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया एम्स हॉस्पिटल ने। एम्स ने हाल ही में बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है। चलिए अगला देखते हैं, अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। यह रजोनिवृत्ति 45 से 55 साल के बीच की उम्र में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर स्थित DRDO की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेंझोऊ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया है? तो ये किया है, किस देश ने पूछा है, तो ये चीन देश ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत के COVID-19 टीकाकरण का एंथम का शुभ आरंभ किसने किया है? तो ये किया है मनसुख मांडविया ने और हरदीप सिंह पुरी ने। ए और बी दोनों ही उत्तर सही होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित केरल राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और पट कथा का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है द ग्रेट इंडियन चिकन ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में फूड टेक समिट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 18 से 22 अक्टूबर 2021 तक नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2021 को आयोजित किए गए विश्व छात्र दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो लोगों और ग्रह, ग्रह मतलब प्लैनेट, समृद्धि और शांति के लिए सीखना, ये विषय रखा गया है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में MK स्टालिन ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की, यह वर्तमान 2021 में, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 साल के आराध्या अरविंद ने चिल्ड्रन स्पीच इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, या भारत के किस शहर से है? तो बेंगलुरु शहर से है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रुप के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किस ग्रुप के चेयरमैन,
तो जागरण ग्रुप के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन हो गया है 83 साल की उम्र में। तो करंट अफेयर्स से ये मैंने 14 प्रश्न उठाए हैं जो मुझे लगे महत्वपूर्ण हैं। कैसे लगे आपको वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।